कर्नाटक में बंजारा समुदाय से संबंधित जो अनुसूचित जाति के आरक्षण को यहाँ पे कम कर दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते ही अनुसूचित जातियों के बीच जो आंतरिक आरक्षण शुरू करने का फैसला लिया गया था, इसके तहत बंजारा समुदाय को मिलने वाले आरक्षण कम हो गए हैं। इस प्रस्ताव को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश भी केंद्र से की गई है। तो बंजारा समुदाय जो है भाजपा के नेता पूर्व सीएम येदियुरप्पा के घर को निशाना बनाया है। वर्तमान कर्नाटक के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। कहा है कि हर समुदाय के साथ किए गए सामाजिक न्याय को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। हाल ही में कर्नाटक की गवर्नमेंट ने जो मुस्लिम को 4% आरक्षण मिल रहे थे उसे खत्म करके ओक्कालिंगा और लिंगायत समुदायों में बांट दिया है। कर्नाटक में करीब दलित 20 फंसती हैं। न्यायमूर्ति एजे सदाशिव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्य किया गया है। तो दलितों को मिल रहा 17% आरक्षण को आंतरिक रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 हिस्सों में, जिसमें 6% शेड्यूल कास्ट लेफ्ट, 5.5% शेड्यूल कास्ट राइट, 4.5% टचेबल्स और बाकी 1% अन्यों के लिए। तो बंजारा समुदाय पहले SC टचेबल्स में अभी भी आते हैं, जिनको 4.5% कोटा दिया गया है। पहले ये जो थे आपको इनको 10% मिला गया है। तो अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक जो आरक्षण का विभाजन है कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को प्रदर्शित करता है, विरोध नहीं होना चाहिए।